एक महिला को पूरी तरह से चेहरे पे काली खोद कर उसे उसका सिर टकला किया गया और उसे नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। ये आज भी ये घटनाएं होती हैं। उस पता चला, मैंने पूछा ये क्या है, तो वो डायन है और उसने फना फना के बेटे को खा लिया। ऐसी चीज़ें हम आज जिस सदी में रह रहे हैं, उस सदी में हम डायन जैसे शब्दों का प्रयोग इस मंच पे, जहाँ पे कि शिक्षाविद बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, ये सब पर बात हम कर रहे हैं, पता चला कितने पीछे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पीछे की बात नहीं है, आज भी ये जमीनी हकीकत है। बहुत सारी महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, जो जुझारू होती हैं, जिन्हें अपने बच्चों का मुंह देख करके वो जिंदा रह लेती है, और किस जिल्लत के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये डायन ऐसी कौन सी विधा है जो को सीखने के लिए सिर्फ दलित या महादलित की महिलाएं ही इसमें पारंगत हो पाती हैं। कभी ये नहीं सुना कि फला ब्राह्मण या अजपूत के परिवार से कोई महिला डायन है। तो इसका मतलब तो ये है कि डायन जैसे ये कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं जिन्हें दबाया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों के और ऐसे शब्दों का और ऐसी चीज़ों को आरोप लगा करके उन्हें दबाने की एक प्रक्रिया मात्र है और उन्हें शोषित करने की एक और प्रक्रिया मात्र है। अब मैं बात करती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक महिला है चंपा देवी, इसकी अभी की एज जो है 70 ईयर है, और ये राम स्वरत चौधरी हैं और ये दीपजी देवी हैं। ये दोनों महिला यानी कि चंपा देवी और दीपजी देवी, ये दोनों सौतन हैं। आप उम्र का डिफरेंस देखेंगे, इस महिला की भी शादी होकर के, यानी ये जो ये दूसरी पत्नी है और वो पहली पत्नी है, दीपजी देवी दूसरी पत्नी है, इसकी शादी को 15 साल हुए। जब इसकी शादी 15 साल पहले हुई थी तो इसके पति की उम्र थी 52 ईयर्स, 52 साल की थी, और वो लड़की थी 14 साल की, 14 साल 52 साल। ये शादी हुई इसलिए हुई क्योंकि बेटा नहीं हो रहा है, बेटा पैदा नहीं हो रहा है, बेटा चाहिए, तो इसने इस महिला ने ही अपने पति की शादी करवाई बेटा की चाहत में। और वो पोती की, जो उसकी खुद की पोती थी, उसके उम्र के बराबर इस महिला की उम्र थी। इसका कारण अगेन फिर वही शिक्षा की कमी। तो बात हर बार शिक्षा पे ही आती है कि अगर शायद शिक्षा के वो अवेयर होते या गरीब नहीं होते या दबे कुचले वर्ग से नहीं होते तो शायद वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्लाइड आगे बनाना है ना। आज भी पंचायत में जब मैं घूमती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे घोंघा खा रहे हैं। एक मांझी बस्ती है वहाँ, मुसहरों की बस्ती है, जहाँ पे कि वो घोंघा जो है वो डाल करके खा रहे होते हैं, और सब लोग उस बस्ती की तरफ से नहीं गुजरते, ये कह करके कि अछूत की बस्ती है वहाँ पे नहीं गुजरते, वो अपना रास्ता बदल करके गुजरते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल की जो है रियलिटी है वो है पंचायत की। आप देख रहे होंगे ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैंने बोला आपके लिए सारी सुविधाएँ, आप स्कूल तक क्यों नहीं जाते, तो जाते हैं सिर्फ खाना खा के आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे बच्चे, मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ, इधर आप देख रहे हैं छोटा बच्चा। मैंने पूछा इसको क्यों अलग फेंका हुआ है, ये इसकी एक और तस्वीर थी जो मैं अभी यहाँ नहीं लगा पाई। करीबन 3000 मक्खियाँ, तकरीबन 2-3 हज़ार मक्खियाँ उसके ऊपर भिनभिना रही थी। मैंने बोला उस बच्चे को इतनी दूर क्यों फेंका हुआ है, तो जवाब था कि ये मरने वाला है, थोड़ी देर में ये दम तोड़ देगा। ने कहा मरने वाला है बच्चा, तो उसको इस तरह से क्या, हमारी सरकारी व्यवस्था इतनी खराब है कि उसको ठीक है कि वो मर जाएगा या बीमार है, तो क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि मरने वक्त उसको अस्पताल का एक बिस्तर भी मिले, क्या इस चीज का भी अधिकारी नहीं है वो बच्चा, क्या इतना खराब हमारी सोसाइटी हो चुका है कि एक दलित का बच्चा है मरने वाला है तो मरते समय उसको अस्पताल का बिस्तर भी नसीब ना हो, क्या ये व्यवस्था हमारी। मैं देख रहे हैं आप एक बच्चे को पानी पिला रही हूँ। मैं एक घटना बताना चाहती हूँ जिसने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रही थी मानसिक रूप से कि घर में शौचालय बनवाइए, उनकी उस चीज़ के बारे में बता रही थी। इतने में मैंने देखा कि एक बच्चा रोड क्रॉस करता हुआ भागता हुआ आया और एक बाइक के ऊपर से तकरीबन चढ़ते चढ़ते वो बाइक ऑलमोस्ट चढ़ गया था।
इतने में उसकी माँ आती है और बच्चों को जोर से, अपने बेटे को जोर से वो दबा लेती है। दबाने के बाद वो तेज, बहुत तेज रोने लगती है। सब लोग मैं घबरा गई कि क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, पूरी भीड़ थी। तो मैंने कहा कि क्या है ये, तो वो बच्चों को मैंने देखा कि वो महिला अपने आंचल से बच्चे का सिर बांधा हुआ है बुरी तरीके से, इतने बुरी तरीके से कि अगर वो बच्चा नहीं मरा है तो वो मर जाता। मैंने उस महिला को जोर से धक्का दिया, मैंने उस बच्चे को खींचा और मैंने उस बच्चे को पानी पिलाया। मैंने देखा कि वो बच्चा पूरी तरह से ठीक था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि एक माँ अपने बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी कि अगर ये बच्चा मर जाता है तो कम से कम उस बाइक वाले से 50,000 रुपया लेगी, बच्चे का क्या है 9 महीने बाद तो वो फिर पैदा हो जाएगा। ये है ग्राउंड रियलिटी। तो ये चीज़ें हमें जो गांव की जो रियलिटी उस पर रियलिटी है जो गांव में उस पर है, पर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है और बहुत अच्छी और मजबूत व्यवस्था है जिसे अगर हम पंचायत में जनप्रतिनिधि के तौर पर और गांव वालों के भागीदारी के साथ अगर हम काम करते हैं तो जितनी चीज़ें जो हमने बताई उस पर बहुत अच्छी तरीके से काबू पाया जा सकता है। जैसे कि एक ग्राम पंचायत को बहुत अच्छी, एक बहुत शक्तिशाली एक वो दी गई है कि आम सभा के माध्यम से आप गांव में आम सभा करिए। आम सभा के माध्यम से आप कोई भी निर्णय, मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप किसी भी तरह की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, क्या मैंने आंगनवाड़ी की बात की, या मैंने जन वितरण प्रणाली की बात की, मैंने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बात की, ये सारी व्यवस्थाएं हम गांव वाले मिलकर या आम सभा के द्वारा हम योजनाओं को पारित कर सकते हैं कि अगर बाढ़ आ जाता है तो कैसे हम उन समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पावर हमें आम सभा के माध्यम से पारित करके हम कुछ भी कर सकते हैं।